back to our YouTube channel TnF Travel and Food. So आज हमने आपको पूरा दिन घुमाया. हमारा मॉर्निंग से लेके गंगा जी में हमने स्नान किया, डिप लिया. उसके बाद हम लोग आसपास के ऋषिकेश को हमने एक्सप्लोर किया, बीटल्स आश्रम देखा, बहुत अच्छी अच्छी यमी यमी चीज़ें खाई, डोम हाउस देखा. और भी हमने नाइट में कौन सी जगह ट्रेवल करी? नाइट में हमने एक होटल का बंक स्टे, लेकिन वो हमने कल वो ब्लॉग अलग बनाया था कि हमने बीटल गार्डन विजिट किया. मेरे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह है. तो आई हैव विजिटेड ऋषिकेश नाइट टाइम, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ. ऑल क्रेडिट गोज टू कुमुद, उसने एक्सप्लोर किया, फिर हम लोग घूमते हुए यहाँ आए और अंदर आके आए. बस शॉक टू सी इतना प्यारा गार्डन बना हुआ है और इतना पीसफुल है, बहुत शांति है, बहुत अच्छी पेंटिंग है अंदर. तो इसकी एक हिस्ट्री भी है बीटल गार्डन की. यहाँ पर बेसिकली जो रॉक बैंड बीटल्स ग्रुप है वो यहाँ पर विजिट किया था और उन्होंने यहाँ पर कुछ दिन रह के स्वामी जी के साथ मेडिटेशन किया था. तो यहाँ पर बहुत सारे वेरियस अलग अलग ये डोम्स हैं, कुटिया बनी हुई हैं. हर कुटिया के बाहर नंबर लिखे हुए हैं. कुछ कुटिया के ऊपर राम लिखा हुआ है, सीता लिखा हुआ है, हनुमान जी की फ़ोटो बनी हुई है. और ओवरऑल मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल और सीनिक है. और अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएँ तो यहाँ पर गंगा जी भी है, जो कि आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा. मैंने जो ब्लॉग डाला है उसमें थोड़ा सा गंगा जी का व्यू भी डाला है बीटल गार्डन से. और उसके अलावा हमने बहुत सारे फोटो लिए हैं यहाँ पे. और थोड़ा सा जब आप अंदर आएंगे तो 100 मीटर के आसपास इंक्लाइन है, चढ़ाई है बेसिकली. उसके बाद फ्लैट है, अंदर आएंगे काफ़ी कंफर्टेबल है. क्योंकि हम मई मंथ में हैं तो काफ़ी ह्यूमिड भी है. सो आई थिंक आइडियल होगा यहाँ पे आपको थोड़े से क्लेंजर कर लेंगे. बाकी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ राजाजी नेशनल पार्क रिजर्व सेंचुरी. और यहाँ पे हमें टिकट लेके आना पड़ता है. लाइक हमारे एडल्ट की टिकट 150 रुपीज़ ईच थी और हमारा बेटा स्टूडेंट है उसकी टिकट यहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी टिकट शायद 50 रुपीज़ थी. आई थिंक इट वॉज प्लेस टू वर्थ कमिंग एंड हैविंग एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस. वी होप यू आर एंजॉयिंग आवर व्लॉग्स बेसिकली. Do share your comments whatever you feel like, and if you have any feedback or कोई भी आपका suggestion feedback है, do let us know. Write down in the comment section. Thank you.
पर ड्राई फ्रूट्स वाला है। Like what? Steamed kachori. Not fried but a steamed. Sir, इसको बेच रहे हो? मेरा बिजनेस नहीं है, मैं बिजनेस पर्पस से इसको बेच नहीं रहा, ना ही मेरा स्टार्टअप है अभी। मैं इसलिए इसको बेच रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ फंड रेज कर रहा हूँ, मैं प्लांटेशन करूँगा नेक्स्ट मंथ से। हाँ सर, तो मैं इसको सेल करके बेच रहा हूँ। और दूसरा मतलब ये जो मीडियम चाहिए किसी से, मतलब आप मेरे पास आ रहे क्यों आ रहे, इसलिए ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। हाँ सर, बहुत कम रखा है। अब जहाँ मैं बेच रहा हूँ वहाँ पर लोग, वो लोग आते हैं, अगर मैं उसको बोलूँ कि 120 का है तो कोई आएगा नहीं, बैठेगा। तो ये चीज़ है। मैं तो इसलिए आया था, मैंने बेटे को बोला कि